भगवते वासुदेवाय नमे, ओम भगवते वासुदेवाय नमे। रंग भरी एकादशी की कथा। यह कथा शुक इष्मर्दी का शुभ वरदान है। रंग भरी एकादशी को ही आमला एकादशी कहते हैं। रंग भरी एकादशी का व्रत, व्रत की पौराणिक कथाओं के अनुसार जानेंगे क्या महत्व है। तो प्लीज झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मेरा उद्देश्य आप लोगों तक अपने हिंदू शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार जो भी छोटी छोटी पूजा से संबंधित चीजें हैं वो आप लोगों तक साझा करती हूँ। कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वैसे ही रंग भरी एकादशी पुराणिक कथा जानेंगे। रंग भरी एकादशी व्रत की पुराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एकादशी का व्रत बहुत महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भाव पूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमला एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए। उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा का प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र प्रहार करता था, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता था। उन डाकुओं की संख्या बहुत अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर पड़ा। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य प्रकट शक्ति हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गया। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया। यह दृश्य देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह सब दुष्ट तुम्हारे आमला एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारे देह से उत्पन्न आमल की एकादशी वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मारकर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह बात सुनकर राजा को बहुत प्रशंसा हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटा और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुख पूर्वक राज्य करने लगे हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत बहुत ही रंग भरी एकादशी का महत्व है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी रंग भरी के साथ ही आमल की एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसका संबंध भगवान शिव के साथ है से भी है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की भी काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना होती है। कहते हैं एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। इस वर्ष भी रंग भरी एकादशी बहुत ही शुभ योग में आ रही है। इस एकादशी पर सर्वसिद्ध और पुष्प नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है। कहते हैं रंग भरी एकादशी का दिन भगवान शिव की नगरी काशी के लिए विशेष होता है। इस दिन भगवान शिव माता और गौरा माता के और अपने गणों के साथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं। यह दिन भगवान शिव और माता गौरी के वैवाहिक जीवन में बड़ा महत्व रखता है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और उनको दूल्हे के रूप में सजाते हैं। इसके बाद बाबा विश्वनाथ जी के साथ माता गौरा का गोना कराया गया था। रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता गौरा को विवाह के बाद पहली बार काशी लाए थे। इस उपलक्ष्य में भी भोलेनाथ के गणों ने रंग गुलाल उड़ाते हुए खुशियां मनाई थी। तब से हर वर्ष रंग भरी एकादशी को काशी में बाबा विश्वनाथ रंग गुलाल से होली खेलते हैं और माता गौरा का गोना कराया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ माता पार्वती के साथ नगर भ्रमण करते हैं और पूरा नगर लाल गुलाल से सरोवर हो जाता है और इस दिन बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ रंग गुलाल खेला जाता है और माता गौरा का गोना जो हुआ था इस दिन को पर्व मनाया जाता है। अब इसकी पूजन विधि आप किस प्रकार करेंगे। रंग भरी एकादशी के दिन दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करके पूजा स्थान पर
स्थल पर भगवान शिव जी और माता गोरा की मूर्ति स्थापित करें। भगवान शिव और गोरा माता का पुष्प, गंध, अक्षत, धूप, अवीर, गुलाल, चंदन और बेलपत्र आदि से पूजन करें। पूजा के समय माता गोरा को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। तत्पश्चात रंग और गुलाल अर्पित करें। फिर घी का दिया प्रज्वलित करके दिया और कपूर से भगवान जी की आरती करें। और आप मंत्र भी उच्चारण कर सकते हैं, 11 बार माला कर सकते हैं। या एक मंत्र है, ओम हो जू शे मंत्र, इसकी कम से कम 11 बार आप इसको जाप अवश्य कर लेना चाहिए। आप शिव माता पार्वती श्री हरि विष्णु के मंत्र श्रोत चालीसा का पाठ करें, रंग भरी आमला का एकादशी का पाठ करें अथवा सुनिए। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुनना अवश्य कर। रंग भरी एकादशी के दिन उपवास रखकर एक बार फलाहार ग्रहण करें। आप उसका एक बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं और बाकी, और इस दिन उपाय आप जानें कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। इस दिन माता गोरा को श्रृंगार सामग्री चढ़ाने से जहां सुहाग की उम्र बढ़ती है वहीं जीवन खुशहाल बनता है। अगर आप आमले का रंग भरी एकादशी के दिन इस दिन माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ाते हैं तो आपका खुशहाल जीवन बढ़ता है और सुहाग की उम्र बढ़ती है। इस दिन एकादशी की रात में विष्णु जी के समक्ष 9 बत्तियों का दीपक जलाएं तथा एक बड़ा दिया अलग से प्रज्वलित करें तो रात भर जलता रहे। इससे शिव जी के साथ साथ श्री विष्णु माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आप अपार धन का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। रंग भरी एकादशी के दिन एक लोटा जल लेकर थोड़ी सी चीनी मिलाइए तथा यह जल पीकर वृक्ष में अर्पित करें तथा सायकाल पीपल की जड़ में घी का दिया जलाएं। इस उपाय से ऋण मुक्ति मिलेगी तथा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहते हैं इस दिन शिव जी पर अमीर और गुलाल अर्पित करने से जीवन में चल रही आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन पूरे मन से शिव गोरा का पूजन करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन आमले के वृक्ष की 9 परिक्रमा करने से सौभाग्य और सेहत का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं एक जो भी ये आपने सारी चीज़ें करी हैं, अगर आप इनमें से कोई एक भी उपाय करते हैं तो आप का जीवन सुख समृद्धि वैभव और धन की कभी कमी नहीं आने देगा। आप कर्ज मुक्ति हो जाएंगे। और इस दिन ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि भगवान विष्णु के साथ साथ माँ पार्वती और भगवान शिव जी की भी पूजा अर्चना करने का आपको अवसर प्रदान होता है। ये साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन दोनों की, और कहते हैं इन दोनों की पूजा पाठ करने से या उपाय करने से जीवन को आप धन्य बना सकते हो और अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ सकते हो। तो ये थी जो हमारे छोटे से उपाय जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे हैं। तो इन्हें प्लीज़ करके देखिए, अगर आप करेंगे औरों का फ़ायदा हुआ आपका भी अवश्य होगा। अगर ये उपाय करने से आपके जीवन की दुख दरिद्रता परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।